वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के आज की लास्ट क्लास है और आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वाइब्रेंट इक्वेशंस। ये क्या होता है? अभी तक आपको कोरिलेशन में ये समझ में आया कि दो डेटा होते हैं और दो डेटा के बीच में रिलेशन कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है या कोई रिलेशन नहीं है, उसकी इंटेंसिटी को चेक करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। लेकिन अभी तक आपने, अब आपके पास में एक नया सिचुएशन है कि दो वेरिएबल्स हैं लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अभी तक तो ऐसा था कि दो वेरिएबल्स थे, उनके बीच में दो डेटा, उनके बीच में आप रिलेशन और उनके रिलेशन की इंटेंसिटी चेक कर रहे थे कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेटेड है या लो डिग्री ऑफ कोरिलेटेड है। तो वो, लेकिन उसमें सभी क्वेश्चन में कॉमन बात आई थी कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम ही थी। जनरली आपने इंडिविजुअल सीरीज में ही काम किया है, अभी तक फ्रीक्वेंसी पे काम भी नहीं किया। इसलिए जो एक्स सीरीज में एन हुआ करता था और जो वाई सीरीज में एन हुआ करता था, दोनों सेम ही रहा करता था। इस बार आपके पास में एक नई सिचुएशन है। अगर आप दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं और दोनों वेरिएबल की अपनी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से कोरिलेशन और इंटेंसिटी ऑफ रिलेशन को आप मेजर करेंगे? आइए, आप फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला तो देखिएगा। अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, वही फॉर्मूला है। अब बस एफ को एक पल के लिए आप अवॉइड करें, तो सब में तो यहां पर चलिए, ये पूरा फॉर्मूला है आपके पास में। लेकिन हमने अभी तक फॉर्मूला जो पढ़ा उसमें एफ को अवॉइड करो, तो यू वी पढ़ा था हमने, आपने माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में तो कुछ नया करने की जरूरत है नहीं आपको, बस इसमें एक नई चीज है कि आपके पास में एफ आ रहा है। क्लियर है? अब वो एफ क्या है, एफ का क्या रोल है, उसकी बात समझेंगे, लेकिन फॉर्मूला आपका वही है, उसी से लिंक कर सकते हो, बस उसमें एक एफ आप ला सकते हो। क्लियर है बच्चे? चलिए, अब जैसे क्वेश्चन कुछ किस तरीके से आएगा, कुछ क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए, फिर बच्चे जो प्रॉब्लम है कमेंट के थ्रू बताइए, क्योंकि क्वेश्चन है अच्छा, समझना होगा आपको अच्छे ढंग से, देखेंगे। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन यह है कि आपके पास में एज है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 50 एम्प्लॉइज। तो आपके पास में समीशन, आपके पास में एन इक्वल्स टू क्या है, 50 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू एज इन ईयर्स एंड पे इन रुपीज। तो अलग अलग चीज है। एक आपके पास में 20 से 30 साल और 30 से 40 साल एज ग्रुप है, 40 से 50 साल और 50 साल से 60 साल के बीच में ये एज ग्रुप है और ये फ्रीक्वेंसी है इनकी। अब कहोगे सर इतनी सारी फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है टेबल में, इसको समझिए पहले क्या है। बच्चे ऐसे लोग जो कि 20 से 30 साल के बीच में आ रहे हैं और उनकी तनख्वाह जो है 25 से 30,000 रुपए के बीच में है, तो ऐसे 8 लोग हैं। लेकिन 20 से 30 साल के ग्रुप में और भी लोग आते हैं जिनकी तनख्वाह 25 से 30 नहीं है, जिनकी तनख्वाह 30 से 35,000 के बीच में है, वो 3 लोग है 20 से, और इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप कि 20 से 30 के बीच में 8 लोग ऐसे जिनकी तनख्वाह 25-30 के बीच में है, 30 साल से 40 साल के बीच में ऐसे 2 लोग हैं जिनकी तनख्वाह 25 से 30 के बीच में है, 40 साल से 50 साल के बीच में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी तनख्वाह 25 से 30,000 के बीच में, तो कोई भी नहीं है। तो जहां डैश है, जहां डैश का मतलब क्या हुआ, जीरो, डैश का मतलब क्या हुआ, जीरो, जहां डैश है वहां आप जीरो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो आपको ये रीड करना आ गया कि किस तरीके से आप इसको रीड करेंगे। चलिए इसका क्या मतलब है जरा बताएं। तो इसका मतलब है 30 से 40 एज के ग्रुप में 5 ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जिनकी तनख्वाह 30,000 से 35,000 के बीच में है। तो आप इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास में जो है एक एज ग्रुप है और उसी एज ग्रुप के लोगों की अपनी जो है सैलरी डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में आ रही है कि इस एज ग्रुप में, इस इंटरवल में कितने लोग हैं, सेम एज ग्रुप में दूसरे इंटरवल में कितने लोग हैं, सेम एज ग्रुप के तीसरे इंटरवल में कितने लोग हैं। तो यहां पर बेसिकली इस तरीके से आपके पास में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ये बात आपको समझ में आई बच्चे, पहले बताएंगे। क्लियर है, कोई डाउट? अब आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कई बार पेपर में आ जाता है, कई बार क्या आएगा तो फिर पूरा ही अच्छे मार्क्स का ही आएगा आपके पास में। मैं इसको ऊपर कर देता हूं क्योंकि मुझे एक बड़े टेबल की नीड होगी। चलो आपको डिटेल डेटा तो दिख ही रहा है इसमें, अब देखेंगे।
टेबल का निर्माण करते हैं, सबसे पहले मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक एज ग्रुप है, एज इन ईयर्स, एज है वो क्या है, 20-30, 20 और 30, 30-40, 40-50, 50 और 60, ये एज ग्रुप है, क्लियर है बच्चे? अब ये जो एज ग्रुप है जिसको आप एक एक्स डाटा की तरह इसको आप बोल सकते हो, अब यहां पर आप इसका ये एक्स डेटा आप मान लीजिए, चलिए तो इसका आप मिड वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, तो इसको ऐड करेंगे 50 और डिवाइडेड बाय 2 कितना है, 25। बाबा निकालेंगे जोर से, सब में 10 गैप है, 10 गैप आएगा, 35 45 55, ये क्या आ गया, मिड वैल्यू, क्लियर है बच्चे? लेकिन आपको जिसको आप एक्स डेटा भी कह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, इसको एक्स डेटा भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहां पर एक रिक्वायरमेंट हमारी किस चीज की रहेगी, यू, यू कैसे आता है पता है आपको, यू बेसिकली क्या होता है, डेटा को शॉर्ट कर देते हैं, डेटा को शॉर्ट कैसे करेंगे आप, यू में एक्स माइनस कोई भी नंबर, चलिए 35 ले लेते हैं एज अ ए, आप कुछ भी आप 45 ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कुछ भी नंबर अज्यूम करके माइनस कर लो, तो लेकिन आप तो माइनस करेंगे तो सबके सब किसके मल्टीपल में आ जाएंगे, 35 माइनस करेंगे 10 और आपके पास में 20, तो 10 के तो डिवाइडेड बाय 10 भी कर देते हैं, कोई भी एक कॉमन नंबर सबको डिवाइड कर रहा है, छोटा नंबर हो जाता है ना, तो आपके पास में क्या जाएगा, -1, यहां पर आप क्या जाएगा 0, इधर आपके पास यू की वैल्यू क्या जाएगी, आप इसमें 35 माइनस करेंगे 10 1, और यहां पर यू की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास में 2, दिस वन, क्लियर है, ये आपके पास यू आ गया। सिमिलर आपके पास में सिर्फ एज की ही बात नहीं हो रही है, आपके पास में बात जो है सैलरी की भी हो रही है, तो यहां पे सैलरी की भी बात हो रही है, तो सैलरी के लिए आप यहां पर ऊपर एक कॉलम बनाएंगे सैलरी जिसपे होगा आपका, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, सैलरी के लिए इंटरवल्स कौन कौन से आपके पास में, ऊपर बनाएंगे जो दूसरा वाला है सैलरी, सैलरी आपको दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, हाँ जी बच्चे, तो सैलरी के लिए आप इंटरवल्स कौन कौन से बनाएंगे, 25 30 30 35, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, स्पेस कम है तो इन थाउजेंड है बस, मान के चलिए 25 से 30 और 30 से 35, तीस से पैंतीस, 35 से 40, इन थाउजेंड है ठीक है, 40 से 50। अब यहां पर आपके पास में इसका भी अपना आपको एक डेटा निकालना पड़ेगा ना, एक जिसको आप मिड वैल्यू कहते हैं, तो ये क्या आएगा मिड वैल्यू आपके पास में आएगा 55 और उसका आधा 25 साढ़े 27, अब आपका गैप कितने का चल रहा है, 5-5 का, तो 32.5 मिड वैल्यू, 37.5 और आपके पास है 5 का गैप, 42.5। पहले आप ये देखिए किस तरीके से करा, एक एक स्टेप को अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप, एक डेटा का आपने नीचे करा उसका आपने मिड वैल्यू और उससे आपने यू निकाला, दूसरा डेटा को आपने ऊपर लिख दिया और उसके बाद आपने उसका जो है मिड वैल्यू ले रहे बच्चे, देख लीजिए इसको पहले आप, वो वाला पार्ट चलो मैं दोबारा बनाता हूं, सैलरी वाला पार्ट आपका,
एक काम कीजिए, इजी रहेगा और आसान रहेगा आपके लिए। दूसरा पार्ट अलग कलर से बना रहा हूं, ठीक है? आप है ना, यू के ऊपर ही बनाइए, इधर का अलग सेगमेंट छोड़ दो, यू के ऊपर आप बनाएंगे। तो यू के ऊपर कौन सा पे लीजिए, सैलरी लिख देता हूं। ठीक है, तो सैलरी क्या, इंटरवल्स क्या है हमारे पास में, 25-30, 30-35, 35-40, 40 45 दिस वन। अब यहां पर आप देखेंगे तो इसका आप एम मतलब वाई डेटा जो कि मिड वैल्यू होता है वो निकालेंगे, आधा करेंगे आप तो कितना 27.5, 5-5 का गैप रहेगा ना आपका, क्योंकि आपके इंटरवल में 5-5 का गैप है, तो सबका मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 5-5 ऐड करते चले जाओ, 32.5, 37.5 और 42.5, ये देख लो। तो आपके पास जो यू है ना उसके ऊपर टाइटल लिखो अगले का, वो इजी रहेगा आपका, यू के ऊपर टाइटल लिखो। क्लियर है बच्चे? अब आप यहां से एक काम करें कि इसका भी आप जिस, इसका भैया एम से यू आया था तो इसका भी वी आएगा भैया, क्यों नहीं आएगा? तो यहां पर इसका वी कैसे होगा? वी होगा आपके पास जो वाई है, आपके पास में वाई माइनस में कुछ भी ए और अपॉन में आप कोई एक नंबर आप कर सकते हैं जो भी आपके पास में आए। तो 32.5 अगर मैं ले लेता हूं सब में से तो क्या रिजल्ट आता है, 5, तो 5 डिवाइड कर देता हूं। क्लियर है? 32.5 ले, 37.5 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे करते हैं तो इसमें से 32.5 माइनस करते हैं तो गैप 5 का आएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा माइनस का या 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा प्लस का। क्लियर है बच्चे? ये आपके पास में आ गया वी। अब आपके पास पे इनकी फ्रीक्वेंसी को लिखना, ये यहां तक समझ में आया नहीं है बताओ? क्लियर है? अब एक काम करें, इनकी फ्रीक्वेंसी को लिखना चालू करो। मैं पहले आप इन सब चीज इस इन चीजों को आप डेवलप कर लें और डेवलप करते वक्त में इन बातों को ध्यान रखें। टेबल एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। ये पहले आप एक एक वन वन पार्ट समझ आइए क्या करा है मैंने। दो डेटा था तो एक का आपने इंटरवल लिखा, उसका मिड वैल्यू लिया, उसका मिड वैल्यू लेने के बाद फिर आपने उसको शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा डेटा को, तो जो कि वी का फॉर्म हो गया। और इस बात को समझना होगा आपको कि आपके पहले तो ये वाला तो आप इजिली कर दोगे, इसके ऊपर कहां से आप जो है यू के ऊपर से टाइटल देना स्टार्ट करोगे, वी वाला आपका टाइटल में चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास है फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, यहां भी 4 है, इधर हमेशा सेम ही मिलेगी आपको, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आपके पास में क्या करना है, हाँ जी, अब देखेंगे। अब आपको बीच में क्या करना है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी के आपको अपने कॉलम को फिल करना है। तो आपके पास में हमेशा 4 ही रहेंगे, जैसे आपके पास वी हो गया, यू हो गया और ये कितने आपके पास 4, तो ये 4 फ्रीक्वेंसीज आप हमेशा फिल करेंगे। यहां तक अपने माइंड में आप पहले इसको मेमोराइज कर लीजिए, फिर इसका हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, अपने फ्रीक्वेंसी के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे आप।
चार है ना आपकी फ्रीक्वेंसी व्हाइट वाला, ये जो है एक दो तीन चार, तो हमेशा जैसे आपका कॉलम वाइज है वैसा आपका रो भी होगा, उतने रो भी होंगे फ्रीक्वेंसी के, उसमें आप किसी प्रकार के कोई भी संचय मत करना, ये कुल मिलाकर के एसी के बराबर ही आएगा। इसके बराबर ही आ जाएगा कुल मिलाकर के। इसमें टेबल बनाना ही चैलेंज है, क्वेश्चन तो आसान है। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपके पास में चार, फ्रीक्वेंसी को फिल कर दो आप। फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से आप फिल करेंगे? सर वाई कैसे निकाला बच्चे? वाई निकाला नहीं मैंने, वाई कॉलम है ना हमारे पास में, दिस वन, ये वाई कॉलम है, और इसका मिड वैल्यू ले लिया हमने, एड डिवाइडेड बाय टू, एड डिवाइडेड बाय टू, ठीक है बच्चे। चलिए अब फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास में पहले उस टाइटल को कवर कर दो आप, इससे ठीक है, एक लाइन में ड्रॉ कर दीजिए ये कुछ इस तरीके से। ऊपर वाला यू है, नीचे वाला वी है। फ्रीक्वेंसी फिल करते हैं बॉडी में, क्या फ्रीक्वेंसी हमारे पास में? सबसे पहले यहां पे आठ, दो, जो नहीं पता वो जीरो, जीरो डैश मतलब जीरो, पता था तो ठीक है। तीन, पांच, दो, जीरो, जीरो, दो, नौ, पांच, जीरो, दो, छः और नौ। क्लियर है बच्चे? ये रहा। अब फ्रीक्वेंसी तो आपके पास में आ गई है, अब यहां पे ये चीज पहले आप समझ लेंगे, तो इसको मैं कहां इसको जगह दूं, तो इसका तो कोई यूज है नहीं क्वेश्चन का भैया, क्वेश्चन मैंने दिया है छुपका। हाँ जी, ये चीज समझ में आपको आई पहले? अब आपने क्या करना है कि आपके पास में चार चीजें आपको एक्स्ट्रा लेनी है यहां से, चार आपका नीचे एक्स्ट्रा जाएगा ही जाएगा। चार हमेशा फिक्स है, ग्रीन वाला चार आपको लेनी है। चार किस चीज के लिए? एक आपको लेना है एफ के लिए, एक आपको लेना है एफ यू के लिए, एक आपको लेना है एफ यू स्क्वायर के लिए, एक आपको लेना है एफ यू वी के लिए। ये चार चीजें लेनी है। नीचे भी इसी तरीके से आपको चार चीजें लेनी है।
यहां से ले लो ताकि उसका टाइटल लिख लिख सकें हम। इतना स्पेस इतना ही करते हैं। तो नीचे चार चीजें लेनी है आपको। तो एक तो सबसे पहले आप चार चीजें, तो ये चार चीजें होती है वैसे ये बॉडी वाले पार्ट, लेकिन इसको इसलिए ले लीजिए ताकि टाइटल लिख पाए आप। यहां पर आप इसलिए ले लीजिए ताकि इनका आप टोटल कर पाए। बाकी चार चीजें लेनी थी आपको। एक, दो, चार चीजें। ये यहां भी आना था, गलती हो गई। चार चीज हो गई। तो यहां पर भी हम लेंगे इन चीजों को, चार चीजों को, जो कि होगा हमारे पास में एफ एफ यू सॉरी एफ वी होगा, एफ वी स्क्वायर एफ यू वी दिस वन। ये देख लीजिए आप, ये चीज समझ में आपको आई? अब आप एफ कॉलम क्या होता है समझिए जरा। एफ कॉलम के लिए क्या करते हैं आप? सबसे पहले एफ कॉलम कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपली बना सकते हो आप। एफ चाहे इधर बनाओ इधर बनाओ, लेकिन इसमें एक काम आप हमेशा करें। एफ यू बी के लिए बात करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल आप देखिएगा एफ का है, सम कर दो इसका, इसका 20 से 30 में कितने लोग आए। एफ एफ फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, 8 3 11, ठीक है बच्चे? कितने हुए? 11। बहुत आसान है। यहां कितने हुए? 2 5 7, 7 2 9 9 2 11। यहां कितने हुए आपके? 11 और 6 17, और यहां पे 14 आया। तो F बहुत सिंपल है, क्लियर है बच्चे? अब आपके पास में F U बनाना है, तो बस F को U से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा? -11। और आपके पास में F इंटू U, तो भैया 0। यहां पर आपके पास में U 17, यहां पर आपके पास में 28। ये एफ यू हो गया। एफ यू स्क्वायर, एफ यू को वापस आप यू से मल्टीप्लाई करो, तो वापस आप यू से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ यू स्क्वायर हो जाएगा ना, एफ यू मल्टीप्लाई बाय यू एफ यू स्क्वायर। तो ये 11, 0 वाला तो 0 रहेगा, 17 का 17 रहेगा, एंड एफ यू 28 को 2 से करोगे 56। ये तो आपके लिए बहुत आसान है, चाहे आप यहां बना रहे हैं चाहे आप यहां बना रहे हैं। यहां पर भी आप एफ बनाएंगे तो क्या करेंगे? एफ का सम कर दो, जो ये एफ है, 8 2 10, 8 2 10, 9 2 11 5 16, और 8 8 9 17। अब एफ वी, तो एफ है और आपके पास वी कॉलम का है दिस वन, ये वी है, तो आपके पास है -10, 0, 16, 34, एफ वी स्क्वायर। तो ये आपके पास है एफ वी है, फिर से वी से मल्टीप्लाई कर दो, 10, 0, 16, 68। ये तो चीज आपके लिए आसान है। देखिए यहां तक तो कुछ भी था नहीं, फ्रीक्वेंसी देख के भर देनी है आपको। आपको F कैसे बना देना है, आपको F इंटू यू कर देना है, आपको F इंटू एफ यू को फिर आप यू से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे F U स्क्वायर। सवाल सारी के सारी, कहानी जो आपकी घूम रही है वो किस चीज पे घूम रही है? पूरी की पूरी कहानी आपकी जो घूम रही है वो F U V पे घूम रही है। F U V कैसे निकालेंगे? तो F U V के लिए जरा समझिए, पिंक लाइन लेते हैं या कोई और कलर आप बताना चाहेंगे? ग्रीन तो हो गया भैया, हाँ पिंक 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 ही ले लेते ना। हाँ
एफ देखिए सब अभी कैसे निकालेंगे आप, सब में इस तरीके से आप करो, हर एक फ्रीक्वेंसी में कुछ इस तरीके कॉलम बनाओ, क्लियर है बच्चे? हर एक फ्रीक्वेंसी में ऊपर की तरफ कुछ इस तरह की कॉलम बनाइए, हर एक फ्रीक्वेंसी में कुछ इस तरह की कॉलम बनाइए, क्लियर है? कोई डाउट? सब में बनाना है आपको, हल्का सा फ्रीक्वेंसी बनाना है आपको, ठीक है? जितनी फ्रीक्वेंसी है उसमें बनाना है आपको। अब कैसे निकालेंगे आप? एफ यू वी देखेंगे, छोटा हो गया तो चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा एफ यू, इसका यू कहाँ है? ये रहा -8, और इसका वी कहाँ है? -1, तो क्या हो गया? 8। यहां पर देखिएगा आप, इसका यू कहां है? -3, और इसका वी कहां है? 0। सबको गुणा करना है ना, इसको भी गुणा करना है, -3 और इंटू 0, 0। ये देखेंगे गुणा करेंगे 0 इंटू 0, ये गुणा करेंगे 0, ठीक है? इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी में आपको करना है ये काम। तो आपके पास में यहां पर क्या आ गया? इसमें नहीं होना था, इसमें नहीं होगा बच्चे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बनाना नहीं आपको। तो उससे यहां पे बनाएंगे आप, तो ये आपके पास में एफ है, तो आपके पास में यू क्या है? यू 0, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई वी 0। यहां पर आप करेंगे एफ 0, ठीक है बच्चे? यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 और वी, 0 हो जाएगा ना। ये एफ है, यू से मल्टीप्लाई करो, फिर वी से मल्टीप्लाई करो 0। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका यू 0 हो जाए जहां पर भी, तो उसके सामने वाला सारा 0 हो जाएगा, और वी जहां भी 0 हो जाए, वी है ना यहाँ 0, उसके सामने वाला सब 0 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है? कौन कौन सा फिल करना है हमें? ये फिल करना है, ये तो जो जो 0 है वो ऑलरेडी अपने आप में 0 होगा ही होगा। अब यहां पे ये 9, यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और वी से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 9 एकम 9 और इंटू 1 9, 6 एकम 6 और इंटू 2 12, ये तो 0 है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 5, यहां पे 5 दुनी 10, और 10 एकम 10, 9 दुनी 18, 18 दुनी 36, समझ रहे हैं बच्चे? तो अब यहां पर आप देखिएगा कि आपके पास में ये ऊपर वाला जो पिंक वाला है ना, वो एफ यू वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 8, 0, 9 और 12, 21, 36 और 10, 46, क्लियर है बच्चे? समझ पाए इस बात को? कोई डाउट है तो पूछो। अब आप देखेंगे यहां पर समीशन ऑफ एफ कितना बना आपका? समीशन ऑफ एफ की मैं बात करता हूं, सेम ही रहेगा खैर ये तो आपके पास में दोनों तरफ। समीशन ऑफ एफ कितना बना आपका?
देखिए बच्चे, यहां पर आपके पास में, अब देखेंगे तो आपके पास में सिग्मा एफ, क्या आया सिग्मा एफ आपके पास में बच्चे? सॉल्व करते हैं आप, कैन सी सिग्मा एफ 11 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 14, 53। वो 50 गलती यहां पे ना, 6 होना चाहिए था, 9 गलती से आ गया है, बट कोई बात नहीं। अब आप जो है ना, आप 9 से ही सॉल्व करेंगे, कुछ और आंसर आएगा, बट आपका यही सवाल आपके पास में है। तो क्या आ रहा है आपके पास में? 53। ठीक है, और एफ यू का सम कितना आ रहा है आपके पास में? 28 प्लस 17 माइनस 11, 34 सम आ रहा है आपके पास में। या फिर यहां लिख देता हूं ना मैं इसको, समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 53, 34, समेशन ऑफ एफ यू स्क्वायर 56 प्लस 17 प्लस 11, 84, समेशन ऑफ एफ यू वी 46 प्लस 21 प्लस 8, 75। दिस वन, ये क्या है आपके पास में? समेशन ऑफ एफ यू, ये क्या है? समीशन ऑफ एफ यू स्क्वायर। और ये क्या है? समीशन ऑफ एफ यू वी। इसी तरीके से एफ वी का सम क्या आएगा? इसका सम तो सेम ही आएगा, इधर से भी एफ का, इधर से भी एफ का। तो आपके पास में क्या आएगा? ये 34 प्लस 16 माइनस 10, 40। यहां से सम क्या आएगा? 58 एफ वी 68 है। तो 68 प्लस 16 प्लस 10 कितना आपके पास में आए बच्चे? 94। और आपके पास में एफ यू वी, अब यहां पे एफ यू वी निकालेंगे अगर आप, तो आपके पास में क्या आएगा? दिस वन, एफ यू वी वाला ये फंक्शन है ना आपके पास में, एफ यू वी। तो क्या है आपके पास में? 8, यहां से 0, 19, 12 और ये 40 और 8, 48, 48 प्लस 19 प्लस 0, 75। दिस बार क्या क्या जानकारी आपके पास में है? आपके पास में जो जानकारी अब उपलब्ध है वो है n 53, समीशन f u 34, f u स्क्वायर 84, f u v 75। और इसी तरीके से आपके पास में समीशन एफ वी 8, 40, समीशन एफ वी स्क्वायर 94, समीशन एफ यू वी 75। और हमेशा लास्ट वाला आपका ये मैच हो जाएगा, तो मतलब आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्लियर है बच्चे? ये आपस में क्या होगा? मैच हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो अब आपके पास में ये क्वेश्चन आपके पास में हो गया।
अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला देखिएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले में। दिस वन एफ यू की वैल्यू है, समिशन एफ यू है, समिशन वी है, अंडर रूट एन आपके पास 53 है और एफ यू स्क्वायर की वैल्यू है। बस वैल्यू रिप्लेस करके आपको यहां पर अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको फाइंड कर लेना है। क्लियर है बच्चे? तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो इसका अपना एक फॉर्मूला आप लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, आर इक्वल्स टू एन, आर इक्वल्स टू एन समीशन एफ यू वी माइनस समीशन एफ यू इंटू एफ वी अपॉन अंडर रूट एन समीशन एफ यू स्क्वायर माइनस समीशन एफ यू का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन समीशन एफ वी का स्क्वायर माइनस समीशन एफ वी का होल स्क्वायर। दिस वन, जिसका अपना एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर आप अपना आर की वैल्यू रख देंगे, एन की वैल्यू क्या है 53 है और एफ यू की वैल्यू क्या है, एफ यू की वैल्यू है 34, एफ यू वी की वैल्यू है 75। एफ यू की वैल्यू क्या है आपके पास में, एफ यू की वैल्यू 34, एफ वी की वैल्यू है 40। तो 34 और 40। एन की वैल्यू क्या है आपके पास में 53, एफ यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास में, एफ यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में है 84। और एफ यू की वैल्यू क्या थी आपके पास में 34 का स्क्वायर 53, एफ वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एफ वी स्क्वायर की वैल्यू 94 और एफ वी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 40। सॉल्व कर लोगे बच्चे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उम्मीद करता हूं मैं। अब आपसे देखिएगा R इक्वल्स टू 53 मल्टीप्लाई बाय 75 3975 माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 40 1360 अपॉन अंडर रूट 84 मल्टीप्लाई बाय 53 4452 34 into 34 11 5 6 94 into 53 4982 1600 3975 minus 1360 तो 2615 अपॉन, सॉल्व करते हैं यहां पर 4452 का रूट माइनस 4452 माइनस 1156 और इसका अंडर रूट 57.41 इनटू, और यहां सॉल्व करेंगे 4982 माइनस 1600 और इसका रूट 58.15 2615 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 57.41.6। सॉल्व करते हैं 2615 333 8.6 तो क्या आंसर आए 0.783। दिस वन इज योर आंसर। क्लियर है बच्चे? समझे? तो ये पूरा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी आपकी स्पीड बनेगी। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो बच्चे आप इसकी अब नेक्स्ट क्लासेस में हम रिग्रेशन पे आ जाएंगे और आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगा, तो आप इसमें यहां पर क्वेश्चंस के
प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से। और पूरा क्वेश्चन ये रहा, एक एक स्टेप मैंने अलग अलग कलर से बनाया ताकि आप इस चीज को समझ पाए। उम्मीद करता हूँ चीज आपको समझ में आ गई होंगी। क्लासेस को एक बार और फिर से देख लीजिएगा, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, बाकी चीजें बहुत आसान है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।